हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दो बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए कि नेपाल सीमा पर एसएसपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे होमगार्ड। तो दोस्तों, समलैंगिक होने पर नौकरी से बर्खास्त हुआ होमगार्ड, हाई कोर्ट ने बहाल करने के दिए आदेश। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पारित एक आदेश में होमगार्ड को बहाल करने का निर्देश दिया है। बुलंदशहर के उप होमगार्ड को समलैंगिक होने के कारण नौकरी से निकाल दिया था। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्तर पर एलजीबीटी समुदाय के सदस्य के बीच लगाव से किसी तरह का प्रदर्शन अब तक अभद्रता की श्रेणी में नहीं आता। जब तक इससे जन व्यवस्था बिगड़ने की संभावना नहीं रहती, इसे बहुसंख्यक नजरिए के आधार पर नहीं लिया जा सकता। उक्त आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ को याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता की सभी बकाए मानदेय पाने का पात्र होगा और उसे देय मानदेय के नियमित भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में पैराग्राफ 800 अधिकारी को दृष्टिकोण का पता चला है, जिसमें सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता के लैंगिक झुकाव को अप्रिय गतिविधि में लिप्त बताया गया है, जो कि नवजीत सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के विचारों को पूरी तरह से उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने 2018 में भी इस मामले में कहा था कि एक व्यक्ति का लैंगिक झुकाव उसकी व्यक्तिगत पसंद और इसी तरह का अपराध मानना उस व्यक्ति के निजता के आधार में आक्षेप होगा। इस तरह में अदालत ने 11 जून 2019 को बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया था। ये आदेश बुलंदशहर के जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा पारित किया गया। उस होमगार्ड का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके आधार पर होमगार्ड को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्ती निरस्त करने का आदेश 2 फरवरी 2021 को पारित किया गया। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है, वो भी आपको बता दें कि नेपाल के सीमा पर एसएसबी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे होमगार्ड। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार मिलेगी तैनाती, यूपी सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होमगार्ड जवानों की ड्यूटी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में लगा दी है। सूबे में पूर्व होमगार्ड मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि होमगार्ड के जवानों को नेपाल सीमा पर तैनात किया जा सकता है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान तय करने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही होमगार्ड के जवान लंबे समय तक नियमित ड्यूटी की मांग करते चले आ रहे हैं। अनिल राजभर ने सोमवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया को ये बात करते हुए कहा कि होमगार्ड जवानों को ये लेकर विचार किया जा रहा है कि पंजाब में जिस तरह से इस्तेमाल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ सीमा सुरक्षा किया जा रहा है, उसी की तर्ज पर हम नेपाल बॉर्डर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर यूपी सरकार के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज दिया गया। 16 फरवरी को सुहेल देव की जयंती पर होगी आयोजित। अनिल राजभर ने 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव जयंती की पूरे प्रदेश में मनाने की घोषणा करते हुए कहा कि मुख्य कार्यक्रम यूपी के बहराज जिले में आयोजित किया जाएगा। महाराज के नाम से स्मारक संग्रहालय, तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। अनिल राजभर ने यह भी ऐलान किया कि 16 फरवरी को प्रदेश में जहां जहां उनकी मूर्ति है वहां पुलिस अपना बैंड बजाकर उन्हें नमन करेगी। होमगार्ड के जवान लंबे समय से नियमित ड्यूटी की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। दोस्तों, होमगार्ड जवानों के लिए बहुत कुछ खबरें की बात था कि दोस्तों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनाती मिलेगी। तो दोस्तों, ये रही दो बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। ऐसी खबरों के लिए चैनल से जुड़े, लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें। आपने अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।